हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सारे के सारे आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे भाई, पूरी दुनिया में इधर भी होंगे। रात के बज गए अभी 12:30, 12:34 हो गया। अभी आया बस, थोड़ा काम था आज, तो गाड़ी अभी पार्किंग में खड़ा किया और बताऊंगा मैं क्या था। मेरा दोस्त बताऊंगा वीडियो के बाद में। तो आज का जो मेरा वीडियो रहेगा दुबई का जो वर्क परमिट और विजिट वीज़ा है, ठीक है, अपडेट क्या चल रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो कर दो लाइक। थका थका सा लग रहा हूँ क्योंकि मैं इधर से थोड़ा एक भाग सी के रनिंग करके आया। तो देखिए भाई, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में कि भाई जो वर्क वीज़ा है वो क्लोज है, ठीक है, कि भाई वो ऐसा बता रहे हैं। भाई मुझे पता नहीं कौन क्या बता रहा है, ठीक है, लेकिन अगर जो आप मेरी वीडियो देखते हैं, मैं बताता हूँ क्या सीन है पूरा, ठीक है। क्योंकि अभी भी जो मैं आया, ये क्या मेरा फ्रेंड है, वो अपनी वाइफ को बुला रहा है दुबई में। अभी उसका जस्ट शादी हुआ था लास्ट नवंबर को, तो उसके डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो आज उसकी हम लोग फाइल लगा के आ चुके हैं एम्बेसी में, तो मे बी 1 वीक में उसका वीज़ा अप्रूवल आ जाए, ठीक है। वो अभी वही काम था, तो खाना साना सब खा के आए उधर ही। और देखो क्या सीन है, मैं बताता हूँ आप लोगों, जो दुबई में जो कंपनी, क्योंकि आप लोगों को कौन क्या बता रहा है मेरे को पता नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी जो मेरी वीडियो देखते हैं तो आप और के वीडियो देखते हैं, तो वो आप लोगों से कुछ कमाने के लिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करता, जो जैसा करता है वो अपने लिए करता है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, मैं गलत करूँगा तो मैं अपने लिए करूँगा, राइट। तो मैं दूसरे को ना किसी को भी मैं कुछ नहीं बोलता भाई, ठीक है यार। ये कौन सा प्लेन है, इतना साउंड कर रहा है, पुराने टाइप का लग रहा है। तो भाई देखो, जो आपको बोलते हैं ना कि भाई जो वर्क वीज़ा है वो क्लोज है, ऐसा नहीं है भाई। दुबई के अंदर जो वर्क वीज़ा है वो ओपन है, और वो कंपनी, अभी आप बोलोगे कि हम तो होम कंट्री में बैठे तो आपको कैसे, देखो मैं बता दूँ, जब आपका आपकी कंपनी इंटरव्यू ले लेती है, आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जांपल, जो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको कंपनी ने सिलेक्ट किया कि भाई हम आपको जॉब दे रहे हैं, एक जॉब लगा लो अकाउंटेंट, राइट। तो अकाउंट की आपको जॉब दे दिया, तो कंपनी क्या करेगा, आपको विजिट वीज़ा भेजेगा अपने आपके मुल्क में। उसका चार्जेस कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सेम ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। जो विजिट वीज़ा होता है उसका कंपनी कुछ भी चार्ज नहीं करता है यार। जो आपका वीज़ा लगा रहा है उसके लिए 1000 दिरहम क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने उनका लाखों का करोड़ों का काम करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता है। तो आपको दुबई बुलाएगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो एयर टिकट है ना, तो उसका पैसा आपका लग सकता है, बहुत सी कंपनियाँ वो भी देती हैं, ठीक है, लेकिन टिकट पकड़ो अपना, तो आपका इधर आके वो वीज़ा लगा देते हैं, ठीक है। तो ये सीन है पूरा का पूरा। बाकी जो विजिट वीज़ा आपको भेजते हैं ना मुल्क में, वो भी कंपनी पे करती है, ना कि आप उसको पे करेंगे। क्या था पहले, जैसे आपका इंटरव्यू लेते थे, जैसे स्काइप पे लेते थे, IMO पे, मतलब जो भी उनका एक इंटरव्यू लेने का जो भी एप्लीकेशन से वो लेते हैं, राइट, उसके बाद वो डायरेक्ट वर्क परमिट भेज देते थे, ठीक है। बट वर्क परमिट अभी दुबई ने क्लोज़ किया हुआ है, क्लोज़ मतलब एक टेम्प्रेरी के, आप डायरेक्टली किसी होम कंट्री से डायरेक्ट UAE के अंदर में वर्क परमिट पे नहीं बुला सकते। तो उसका सीधा सा मैंने आप लोगों तक बता दिया कैसे कंपनी हायर करती है, कैसे बंदों को बुलाती है। तो उसको उसके होम कंट्री में उसको वीज़ा भेजते हैं, उसको बोलते हैं, कुछ कंपनियाँ एयर टिकट भी भेज देती हैं, कुछ कंपनियाँ नहीं देती, राइट। तो एयर टिकट पकड़ के लेके आना होता है और कंपनी इधर आके आपका वीज़ा लगा देती है। हाँ, अगर किसी के साथ में ऐसा होता है तो प्लीज़ आप कंपनी की इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकालें पहले, भाई कंपनी क्या है क्या नहीं है, राइट। गूगल पे सब चीज़ है यार, ठीक है। और सॉरी, बाकी जो विजिट वीज़ा है सेम चल रहा है भाई। पाकिस्तानी भाई जितने मेरे देखते हो, तो भाई मुझे आपका पता नहीं भाई वीज़े के बारे में, क्योंकि आज भी जो अप्लाई किया वाइफ का, वो इंडियन था, मेरा दोस्त है, हम साथ में जॉब करते थे पहले उसमें, और उसकी वाइफ आ रही है, तो इंडिया के डॉक्यूमेंट थे सारे के सारे, ठीक है। तो मैं एक शेयर करूँगा आप तक वीडियो, क्योंकि मुझे नॉलेज हो गई, क्योंकि फ्यूचर में शायद मुझे भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े
कैसे अपनी वाइफ को बुलाना है पूरा क्योंकि बहुत झमेला लगता है यार, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। मैं तो सोचता था कि ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन जब अप्लाई अपने हाथों से किया ना तो पता लगा कि भाई नहीं भाई, इसमें तो बहुत सारा झमेला होता है। आधार कार्ड, उधर के मैरिज सर्टिफिकेट बनवाओ, आपका जो क्या बोलते हैं यार उसको, कार्ड होता है ना, चिट्ठी, चिट्ठी बोलते हैं वो, चिट्ठी छपवाते हैं ब्याह में, वो चाहिए होता है। और दोनों के पेरेंट्स, मतलब जो पहले होम था और दूसरा होम है, उधर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि देखते हैं कि भाई ये इलीगल तो नहीं है, इसको ओनली वीजे के लिए तो ओनली नहीं काम हो रहा है, ये इसकी वाइफ रियल में है या नहीं है, ठीक है। ये भी देखते हैं डॉक्यूमेंट कि भाई आप जैसे उसके क्लासमेट थी मेरे दोस्त की, वो आपके साथ में जो रिलेशन था इनका कॉलेज से, मतलब कॉलेज टाइम का, तो वो भी स्लिप वगैरह देखते हैं, मतलब बहुत सारा झमेला है। तो कहने का बात ये है मेरा, कहने की मेरी ये बात है, ना तो विजिट वीज़ा क्लोज है, ना आपका वर्क परमिट क्लोज है, जो आप लोगों को बोल रहे हैं, क्योंकि भाई मैंने आपसे कुछ देना नहीं है तो आपसे कुछ लेना भी नहीं है ना यार, सीधी सी बात है मेरी। मेरा काम है आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। आप हमेशा यार फ्री में जॉब मिलती है दुबई में, पूरे यूए में फ्री में जॉब मिलती है, ठीक है। और कुछ लड़के एजेंट, आज भी मेरी बात हो रही है दो तीन लड़के, यार मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता, अगर जो कोई एजेंट पैसा दे के काम कर रहा है वो अच्छा है, एक लिमिटेड पैसा, ऐसा नहीं कि भाई 10 रुपये की चीज़ के 1,000 मांगे या 100 मांगे, 10 के 11 मांगे चलेगा, लेकिन वो 10 के 50 मांगे 100 मांगे वो चले नहीं चलेगा ना भाई। और बाकी जो भी आपका क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई करने की 100% कोशिश करता हूँ। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं आप लोगों तक बहुत सारी बातें यार, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, और जो भी जिस टॉपिक पे भी आपने वीडियो बनानी हो ना, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि किस टॉपिक पे आपने वीडियो देखना है, किस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं एक प्रॉपरली वीडियो, अगर जो मुझे लगता है कि भाई हाँ इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तो मैं प्रॉपरली उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और बस ऐसा ही है, सर्दी काफ़ी हो गई है दुबई में भी, बारिश अब की बार नहीं हुई, उसके बाद भी इतनी सर्दी हो गई, इंडिया वाली तो नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि मैं सहारनपुर से, उधर तो मतलब बहुत ठंडा होता है, इतना नहीं है, लेकिन पहले से मेरे भाई को 14 साल हो गए, वो बोल रहा है अब की बार बहुत ज़्यादा सर्दी है, 14 साल में नहीं हुआ, मेरे को 4 साल होने वाला है, मैंने 3 ऐसी सर्दी नहीं देखी, इतनी सर्दी हुई नहीं है, ठीक है, काफ़ी सर्दी है, ठीक है। तो फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो यार, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दिया करो, ठीक है, ऐसा कोई नहीं बोलता लेकिन मैं बोलता हूँ। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं बहुत सारी बातें, मॉर्निंग में जाना है ड्यूटी 1 बजे।